इसके अलावा और क्या-क्या आने वाला है अभी आपकी तरफ से? सो शिटी आइडियाज़ पे हम लोग नए नए वेब सीरीज़ करते हैं, और कुछ ऐसे वेब सीरीज़ हैं जो शुरू से चलते जा रहे हैं, जैसे कि प्यार का पंच, जिसमें प्राचीन चौहान और पूजा गौर हैं, और उसका एक या दो एपिसोड हम हर महीने आते हैं. एंड देन देयर इज अ न्यू वेब सीरीज़ विच इज़ लॉन्च्ड ऑन SIT कॉल्ड द बेटर हाफ, एंड सम पीपल लाइक टू कॉल इट द बिटर हाफ. सो इट्स द बेटर हाफ और द बिटर हाफ, वो तो देखने वाला डिसाइड करेगा. पर हस्बैंड वाइफ के ऊपर बेस्ड एक सीरीज़ है, जिसमें थोड़ी वाइफ हल्की सी नैगिंग है, और हस्बैंड थोड़ा सा अग्रेसिव भी है और थोड़ा सा बेचारा भी है. आई थिंक बिल्कुल एवरीडे टाइप सिचुएशन है. इनफैक्ट हस्बैंड यहीं बैठा है, इधर आ. सुकांत गोयल इज द न्यूएस्ट एंट्रेंट टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग. शिफ्ट अ लिटिल. एंड ही इज़ प्लेइंग ऋषि एंड आई एम प्लेइंग रोहिणी इन दिस, एंड टुगेदर वी आर द बेटर बिटर हाफ. ओके सुकांत, किस तरह के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं अगले ऋषि में? ऋषि के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक वो थोड़ा सा कोशिश ज़रूर करता है अपनी बात मनवाने की। जैसे कई लोग ऐसे होते होंगे जो कोशिश भी नहीं कर पाते होंगे आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, वो थोड़ा गिव अप ही कर देते होंगे। अभी इसका मैरिज उस स्टेज में है नहीं, उसको लगता है कि अभी कोशिश से काम बन सकता है। थोड़ा कोशिश करता है कि हर चीज़ का सल्यूशन निकाले, एकदम गिव अप नहीं करता है। तो ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर आउट अ सल्यूशन, बट कभी निकलता है और कभी एज यू नो वाइफ के सामने नहीं निकल पाता। वो जैसे कि नोटिस नोटिस किया जाता है यार कि हमेशा आपके वीडियोस में एक आदमी का फ्रस्ट्रेशन दिखाया जाता है और एक लड़की उसके ऊपर भारी पड़ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, क्या मतलब ऐसी क्या वजह है? छवि इतना परेशान करती है क्या आपको? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कहानियाँ हम खाली उल्टी कर देते हैं। मैं उसको जब जिस तरह से परेशान करता हूँ, बट आई थिंक इन द फॉर्मेट ऑफ द शो, थैंक यू फॉर सेइंग दैट ऑन ऑन कैमरा. द फॉर्मेट ऑफ द शो, आई थिंक इट वर्क्स बेटर दैट बीवी आदमी को परेशान करें, बिकॉज दैट्स द मोर कन्वेंशनल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड दैट्स द फन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ओके, जिस तरीके से जो वीडियोस में दिखाया जाता है तो कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ होते बहुत हैं, कुछ आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत कुछ होता है जो मेरे साथ हुआ है, जो इसके साथ हुआ है, जो उसके साथ हुआ है, जो हमारे दोस्तों के साथ होता है। तो हमारे कान और आंखें हमेशा खुली रहती है। इनफैक्ट अब हमारे दोस्त तो हमसे कतराने लगे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये देखो ये आए हमारे घर में, अब हमारी कुछ एक लड़ाई देखेंगे और कल जाके इस पर एपिसोड बना देंगे, जो कि हम करते हैं। चलिए, आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहते हैं ऐसे जब वीडियोस बनते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं मुझसे आप? हाँ यार, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मैं होती तो ऐसा हो जाता है, ये होता। नहीं, सो मोस्टली हम लोग साथ में मिलके ही एपिसोड्स लिखते हैं, तो जो कुछ भी हुआ होता है इनकी लाइफ में वो मेरी लाइफ में साथ में हो चुका होता है, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ऑन द सेट. बट इनफैक्ट आजकल तो जब से शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग शुरू किया है तब से तो हमारे झगड़े एक्चुअली कम हो गए हैं, बिकॉज जब भी मैं अपने आप को इस नैगिंग कैरेक्टर की तरह बिहेव करता हुआ फील करती हूँ तो मैं एकदम स्टॉप हो जाती हूँ, और मुझे लगता है ओ नो, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो अच्छा नहीं है. एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे ये जो तुमने अभी कहा इस पे ही एपिसोड बना देते हैं. ओके सुकांत, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ एक्चुअली रहे हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में? आई थिंक द फनीएस्ट पार्ट इज़ कि मैं पहले देखता नहीं था वेब कंटेंट ज़्यादा, और SIT का भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे नहीं थे। इनफैक्ट कुछ भी नहीं देखा था अंटिल मेरी जो फियांसे, उसने मुझे एक दिन एक दिखाया और उसने कहा कि ये देखो ये देखो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या है? तो उसने फिर एक बहुत अहम सवाल पूछा। उसके बाद उसने पूछा कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना। ये ट्रिक क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन। अगर ये जवाब हाँ दे देता इतना तो तो नहीं ये करती ना अभी अक्टूबर में मैं. शादी नहीं हो रही होती इसकी। छवि ने पूछा आपसे कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ ना? नहीं, वो जरूरत नहीं है ना पूछने की। ओके छवि एंड मोहित, क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते अपने दर्शकों, अपने फैंस से, जो आपके जो देखने वाले जो हैं? ओ आई वॉन्ट टू से सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ मैं वैसी हूँ नहीं रियल लाइफ में. और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम लोग क्यों वाइव्स को ऐसा दिखाते हैं, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ फिक्शनल पीस ऑफ कॉन्टेंट. आप हम लोग बहुत मज़ा लेके इसको बनाते हैं, आप लोग प्लीज़ मज़ा लेके इसको देखिए एंड जस्ट हैव फन एंड कीप वॉचिंग SIT. बस अभी तक बहुत बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिला है हमको, मतलब 2 साल में जहाँ तक हम पहुँचे हैं, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स टू 350K सब्सक्राइबर्स एंड 1 मिलियन प्लस फॉलोज ऑन फेसबुक नाउ. तो दैट्स शोज दैट पीपल लाइक वॉट वी मेक एंड दे आर शोइंग अस देयर सपोर्ट एंड लव. जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू कीप एंटरटेनिंग यू. सुकांत, आप कुछ कहना चाहेंगे?
आप भी एंट्री मारने वाले हैं, पार्ट बन गए हाँ नहीं मैं आई एम जस्ट लाइक हैप्पी टू बी इन्वॉल्व विद छवि एंड मोहित बिकॉज मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा का, लेकिन तो मेरी थोड़ी सी तालीम ही हो रही है यहाँ पे, तो मैं खुश हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, आई होप लोगों को मज़ा आ तालीम तो तेरी शुरू होगी अभी जब तेरी शादी होगी. ओके थैंक यू छवि एंड मोहित एंड सुकांत हमसे बात करने के लिए, थैंक एंड यू. ऑल द बेस्ट सुकांत फॉर इज अ योर वेरी शो. गुड सिंगर, यू शुड मेक हिम सिंग. गाना व्हाट गाएंगे सिंग? यू आर अ सिंगर. 1 2 3 स्टार्ट. ओके क्या ये गाना गा दीजिए आप अपने फैंस. चल विल सिंग जाने जाना. ओके चल 1 2 3 स्टार्ट. Joke, that's not I, the beat. I have to contribute in some way. No. I can't sing. No. You have to say wawa in the end. Wawa, wawa. In the end. Jaane ja, dhoondta phir raha ho tumhe raat din main raha se waha mujhko awaaz do chup gaye. तुम कहाँ तुम कहाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.